नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश भर में दक्षिण बिजली वितरण कर्मचारी यूनियन के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन बहाल करना समेत अन्य मांगों के तहत ज्ञापन दिया गया है। वहीं उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने बिजली कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना तो वे आंदोलन को आगे भी बढ़ा सकते हैं। रोहतक के सांपला में भी बिजली घर के सामने 2 घंटे के लिए अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर हरियाणा के मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा गया। बिजली कर्मचारी नेताओं ने कहा कि बिजली कर्मचारियों की लंबे समय से मांगें लंबित पड़ी हुई हैं, जिस पर सरकार से कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन सरकार ने बिजली कर्मचारियों की मांगों को आज तक पूरा नहीं किया है। इसके चलते 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है। वहीं वे सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में बिजली कर्मचारी एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारी 32 मांगों में प्रमुख मांगें हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, जोखिम भत्ता दिया जाए। इसके चलते सरकार से लगातार बिजली कर्मचारी संघर्ष करते आ रहे हैं। सरकार को हम ये भी बताना चाहते हैं कि यदि सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास कौहल्यान की रिपोर्ट। आज आप लोग धरने पर बैठे हो जी, क्या मामला? सर, मामला ये है कर्मचारियों के लंबित काम जो हरियाणा सरकार ने पिछले लंबे समय से रोके हुए हैं, चाहे तो उसमें टेक्निकल कर्मचारियों की भर्ती हो या फिर किसी टेक्निकल कर्मचारी की, क्लरिकल कर्मचारी की पदोन्नति की बात हो या डिपार्टमेंट के अंदर नए कर्मचारी भर्ती करने की बात हो, कर्मचारियों को एस ग्रेस या पॉलिसी देने की बात हो या फिर मेडिकल कैशलेस सुविधा देने की बात हो या फिर कर्मचारियों को जो लंबे समय से पेंडिंग पड़ी है पुरानी पेंशन बहाली की बात हो, सरकार हर विषय में अपने आप को कर्मचारियों से अलग करके अपने आप को देख रही है और कर्मचारियों की इससे पूरे प्रदेश के अंदर भारी नाराजगी है, जिसके फलस्वरूप में यह अपना 2 घंटे का पूरा जोनल सत्र पर प्रोग्राम आज शुरू किया है। इसके बाद में अगर सरकार नहीं चेतती और हमारे राज्य स्तरीय प्रधान कार्यकारिणी को बुला करके उनकी बातों को नहीं सुनती तो ये प्रोग्राम आगे भी चलेंगे और इसके ऊपर चाहे बिजली बोर्ड के साथ साथ अन्य विभागों को साथ लेकर के हमें पूरे प्रदेश के अंदर स्ट्राइक तक करनी पड़ी तो कर्मचारी वर्ग इससे पीछे नहीं हटेगा। क्या नाम है सर और क्या मामला, किस लिए बैठे? सर, मेरा नाम श्रवण कुमार है और मैं सब अर्बन यूनिट नंबर 2 का प्रधान होने के नाते मतलब आज हमारा ये 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन है। HSEB वर्कर यूनियन हेड ऑफिस भिवानी 292 नंबर लगातार अपना पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रही है। आज उसकी दूसरी कड़ी में यूनिट सत्र का जो प्रदर्शन हो रहा है आज, और यूनिट सत्र पर हमने इकट्ठे होके और अपने ACS पावर को एक ज्ञापन देंगे, हम अपने एक्शन साहब के मार्फत वहां पहुंचाएंगे और पुरानी पेंशन हम लागू करवा कर रहेंगे, किसी हद तक भी जाना पड़े। हम बिल्कुल कड़ा फैसला ले चुके हैं हमारी यूनियन HSEB वर्कर यूनियन और हम आखिर तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को ये हमारी पेंशन लागू करनी पड़ेगी हर हालत में और इसको लेकर रहेंगे। अगर सरकार अपनी मांगे नहीं मानती है आपकी, कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारी केंद्रीय परिषद पहले ही इसका एजेंडा तैयार कर चुकी है, ठीक है, जो भी इसका हमारी कॉल आएगी हम उस पर खरा उतरेंगे। अपने जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, अपने पदाधिकारी हैं, उनकी कॉल पर हम खड़े उतरेंगे और हमें किसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी हद तक भी जाना पड़े, उसके लिए तैयार रहेंगे। आज कितने घंटे का प्रदर्शन? ये 2 घंटे का प्रदर्शन है सर, 10 बजे से 12 बजे तक का, और इसके बाद हम अपना ज्ञापन देंगे और अपने काम पर लौट जाएंगे। क्या नाम है सर और क्या मामला है? मेरा नाम प्रेमचंद और मैं केंद्रीय परिषद में ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ स्टेट में। हमारी मांग है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। आज हमारा ये दूसरा चरण है, ये यूनिट स्तर पर, पहले सब यूनिट स्तर पर हुआ है और उसके बाद सर्कल स्तर पर आगे जो केंद्रीय परिषद ने है अपनी सारी कार्रवाई पूरी कर रखी है। जैसा भी हमको आदेश मिलेगा आगे वैसे ही कार्रवाई चलेगी और पुरानी पेंशन के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे और मुख्यमंत्री तक का घेराव भी करेंगे। या सापला के अंदर ही प्रदर्शन है और कहीं भी प्रदर्शन? ये प्रदर्शन पूरे हरियाणा में है, यूनिट स्तर पे पूरे हरियाणा में चल रहा है, HSEB वर्कर यूनियन के बैनर तले। अगर सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम है मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, हड़ताल भी करेंगे, कठोर से कठोर कदम उठाएंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।